الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سرنا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لباء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلاة ہماری گفتگو ایام سجادیہ کی مناسبت سے دعا کے بارے میں تھی کہ خالق کائنات نے مسئلہ دعا کو بہت زیادہ اہمیت سے نوازا ہے اور اسے افضل ترین عبادت کا نام دیا ہے. قیل ای العبادت افضل قال الدعاء افضل العبادت عند اللہ الدعاء. جب جب سوال کیا گیا خدا کی بارگاہ میں سب سے افضل بافضیلت ترین عمل کیا ہے تو قال الدعاء, فرما دعا ہے جو خدا کی بارگاہ میں سب سے مطلوب اور افضل عمل ہے. ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی گزشتہ سے پیوستہ روز, مگر پھر کل ہم اس کو کنٹینیو نہ کر سکے, کہ اسی کا بخمس معصوم نے اپنے ٹرو فالوورس کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنے سچے اور مخلص پیروکاروں کو, باعمل پیروکاروں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اسی کا بخمس, میں تمہیں پانچ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ہم اس پہ آپ سے بات کر رہے تھے اور پھر گزشتہ روز ہم اس بیان کو آگے لے کے نہیں چل سکے کہ میں تمہیں پانچ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں, یعنی حد سے زیادہ تاکید کرتا ہوں. ان ظلمتا فلا تظلم و ان خانوکا فلا تخن و ان مدحتا فلا تفرح و ان سممتا فلا تزجر. کہ آقا نے یہ جو کلمات گوہر بار ارشاد فرمائے ہیں, یہ انسانی زندگی میں اگر انسان ان کلمات پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی زندگی ہر خطرے سے محفوظ رہتی ہے. جیسا کہ میں عرض کرتی بھی رہتی ہوں, معمولاً عرض کرتی ہوں, اس بار میں نے گزارش نہیں کیا کہ لقمان کا مقام بارگاہ خداوندی میں اتنا کیوں بلند تھا, جبکہ جب پاک پیغمبر سے پوچھا گیا کہ لقمان نبی تھے تو آقا نے فرما حقن اقول حقن اقول لم یکن لقمان نبیہ, میں تمہیں سچ بات بتلا رہا ہوں کہ لقمان نبی نہیں تھے. تو کہا کہ نبی نہیں تھے تو پھر اتنا بلند مقام کیسے پایا؟ تو کہا کان عبدا کثیر التفکر حسن الیقین,
वो दर वाक़ बहुत ज़्यादा चीज़ों का गौर से मुशाहदा करते थे, ऑब्जर्वेंट थे बहुत ज़्यादा, और कसीरत तफक्कुर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते थे, बहुत ज़्यादा अहले तफक्कुर थे। अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला, जो अफराद भी थॉटफुल होते हैं, जो ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो तज़िया व तहलील करने वाले होते हैं, जो तफक्कुर करने वाले होते हैं, वो कहते हैं रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला। ये खुदा ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वो अपने पूरे वजूद के साथ इस बात का एतराफ़ करते हैं कि परवरदिगार तूने इस कायनात को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया, कोई बहुत बड़ा हदफ, कोई बहुत बड़ा मकसद, कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी रीज़न इसमें, कोई बहुत बड़ी विजडम, कोई बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है जो तूने कायनात को खल्क किया है। तो फरमाया कि इन जुलिम ता फला तज़लिम, अगर तेरे साथ ज़्यादती की जाए तो तू ज़्यादती ना कर। जैसा कि मैंने एक और हदीस भी पढ़ी थी कि जा रजुलुन अअराबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक मर्द हुजूर की खिदमत में आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लिमनी अमलन युहिब्बुनी अल्लाह व युहिब्बुनी अल महमूकून। उसने तो काफ़ी लंबा सवाल किया था, इस वक्त हमारे पेश नज़र नहीं है उस पूरी हदीस को दोहराना, लेकिन उसमें से एक जुमला आज हम उठाएंगे कि जब उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे एक ऐसी कोई रेसिपी बतला दीजिए, किसी ऐसे नुस्खे कीमिया से आगाह कर दीजिए कि खुदा मुझसे मोहब्बत करे और मैं उसका मंजूर नज़र बन जाऊँ और उसकी मखलूक भी मेरे ही इश्क में गिरफ़्तार हो जाए, मुहब्बुन यल मखलूकून, अल्लाह की मखलूक भी मुझसे मोहब्बत करे, वयुसर अल्लाहु माली वयुसिहुल्लाहु बदनी वयुतीलुल्लाहु उम्री वयहशुरुनी मअका यौम अल क़ियामा, और रिस्क भी सारी दुनिया का मेरे ही पास आ जाए और उम्र भी मेरी ही बहुत ज़्यादा तवील हो जाए, और उस लंबी उम्र को इन्जॉय करने के लिए, उससे लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए खुदा मुझे काबिल रश्क सेहत भी इनायत कर दे कि मेरे बदन में कोई नक्स, कोई बीमारी, कोई मरज़, कोई मुश्किल ना हो, तो मैं नेमात इलाही से सदियों लुत्फ़ानंदोज़ हो सकूं, कई सदियां खुदा मुझे उम्र अता करे। तो आका ने फरमा हाजी सित खिसाल तहताजो इला सित खिसाल, तूने खुदा से छह चीज़ें मांगी हैं तो तुझे भी छह ही अमल खुदा की बारगाह में पहले अंजाम देना पड़ेंगे इन नेमात के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, इन्नल्लाह अला कुल शैइन कदीर, कादिर नहीं कदीर, कदीर सिफत मुशब्बा, वो कुदरत जो कभी 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 ख़त्म ना हो, क्योंकि इंसानों के यहाँ पावर शिफ्ट होती रहती है, तिलका लयाम नदाविलुहा बैनन्नास, कभी एक के पास है कभी दूसरे के पास है, ये जाम गर्दिश में है, उर्वजो सवाल का ये जाम है जो गर्दिश में है, तिलका लयाम नदाविलुहा बैनन्नास, कभी भी ये ना समझो कि तुम हमेशा के लिए काबिज़ हो गए हो, ये जाम है जो हालत गर्दिश में है, जैसे जैसे बारी आती चली जाती है शिफ्ट होता चला जाता है। तो ये दिल का लग्याम नदाविल नन्नास, कभी खुदा किसी को अता करता है कभी किसी, आज जो हुक्मरान है उसके पास कुदरत है, कल नहीं होगा तो नहीं होगी, हुक्मरान नहीं होगा तो पावर नहीं होगी, कुदरत नहीं होगी, तो जो वक्ती तौर पर जिसको कुदरत मिल जाए, पावर मिल जाए, उसको कहते हैं कादिर, लेकिन कदीर उसको कहते हैं जिसकी कुदरत कभी ख़त्म ना हो। आलिम उसको कहते हैं, अभी दिमाग है तो इल्म है,
ज़बान चल रही है, आज़ाए बदन सालिम है, जिंदा है, मर गया या खुदा न खास्ता याददाश्त ख़त्म हुई गया। लेकिन उसको आलिम कहते हैं जिसका इल्म आज है कल किसी वजह से ना हो, या मौत वजह बन जाए या कोई दिमागी मरज वजह बन जाए, लेकिन अलीम उसको कहते हैं जिसका इल्म कभी ख़त्म ना हो। इसी तरह करीम उसको कहते हैं जिसका करम कभी ख़त्म ना हो। तो कदीर इन्नल्लाह, ये खालिक कायनात क्या है, सिर्फ कादिर नहीं है, कदीर है। तो वो चाहे जिसको जितना चाहे अता कर देता है। कि इंसान तिल का लगियाम मुदाविलुहा बैनन्नास, कभी एक के पास है तो दूसरा तरस रहा है, फिर खुदा किसी और को। ये उरूज और ज़वाल जो ये जबीन लौह आलम में लिख दिया गया कि ये किसी एक की मिल्कियत हमेशा के लिए नहीं। आजमाता है, ये आजमाइश है, देख के आजमाता है, किसी को किसी से देख के आजमाता है, ज़र्फियतों को आजमाता है, काबिलियतों को देखता है, लियाकतों का इम्तिहान लेता है, किसकी कितनी लियाकत है, किसकी कितनी काबिलियत है, किसकी कितनी ज़र्फियत है, ज़र्फ कितना है। ये सब चीज़ें, ये उनका मालिक हकीकी वही है, हकीकी मालिक वही ज़ात है। इंसान को तो कुछ अरसे के लिए आता किया जाता है। लिहाजा मासूम ने फरमाया कि जब कहा कि आका ये मुझे चाहिए, तो आका ने फरमाया छह चीज़ें हैं और इन छह चीज़ों के हुसूल के लिए तुम्हें छह काम अंजाम देना होंगे। जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसको उसके वसूल करने के लिए, उसके वसूल को यकीनी बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेंगी, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो तुम्हें अंजाम देना पड़ेंगी। ये यही कानून है। जैसा कि मैं हमेशा ही बयान किया करती हूँ कि हमारी नमाज की ताकीब है जिसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबात रहमतिक, परवरदिगार मुझे अपनी रहमत के असबाब अता कर। तो मुझे इतनी लंबी बात कहने की क्या ज़रूरत है, परवरदिगार मुझे अपनी रहमत अता कर दे, मुझे अपनी रहमत अता कर दे। मुझे बातें रहमत क्या, क्या 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 ज़रूरत है कि रहमत जिन वजूहात से, जिन मूजबात से, जिन असबाब से, जिन वसाइल से, जिन ज़राए से रहमत मेरी जानिब आ सकती है, मुझे वो ज़राए अता कर। तो वो तो अला कुल्ल शैइन क़दीर का मिस्ताक है। ज़राए को दरमियान में लाने की क्या ज़रूरत है, आप कहें बराह रास्त मुझे अपनी रहमत अता कर दें, अपनी रहमतें मुझ पर नाजिल कर दें। लेकिन वो तरबियत कर रहा है इंसानों की कि अगर तुम अल्लाह की रहमत में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम चाहते हो कि उसकी रहमतें तुम पे नाजिल हो जाएं, तो फिर पहले ख़ुद को इस काबिल तो बनाओ, इस काबिल बनाओ, तुम्हारे अंदर वो एट्रीब्यूट्स पैदा हों, तुम्हारे अंदर वो सिफात पैदा हों जिनसे रहमत इलाही तुम्हारे सहने हयात में उसके कारवां उतरने लगे। तो कहा कि पहले तुम्हें कुछ प्रैक्टिसेस करना होंगी, फिर खुदा तुम्हें अता करेगा। इसमें से एक ही जुमला आज तो हमारे पेश नज़र है जो आका ने इरशाद फरमा, उसने कहा चाहा मांगा और आका ने इरशाद फरमा, उसने कहा कि युहिब्बुनी अल्लाह व युहिब्बुनी अल-मखलूकून, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे और उसकी मखलूक भी मेरी ही आशिक हो जाए। आका ने फरमा अगर तू चाहता है कि अल्लाह का मंजूर नज़र बन जाए तो फ़खिफ हो वत्तके, दो उसूलों को अपना ले, अपने दिल को अजमत व खशियत इलाही के एहसास से लबरेज कर, अपने सीने को हर वक्त तेरे मंजर निगाह पर उसकी कुदरत, उसकी आजमत, उसका जलाल, उसका जबरूत, उसकी सल्तनत, उसकी शान किब्रियाई, खशियत इलाही का एहसास। और दूसरी चीज़ वत्तके, परहेजगारी इख्तियार करो, उसका खौफ अपने दिल पे तारी करो, उसके मुहर्रमात से खुद को बचाओ। और जब तुम ये चाहो व इन अरदता अन युहिब्बकल मखलूकून, कि अल्लाह की मखलूक भी तुम्हारी आशिक हो जाए,
तो फ़ाहसिन इलैहिम वरफ़ज़ मा फ़ी अयदीहिम, तो फिर लोगों के खादिम बन जाओ। अहसिन इलैहिम वरफ़ज़ मा फ़ी अयदीहिम, जो लोगों के हाथ में है उसकी तलब, उसकी लालच, उसकी तमन्ना, उसकी ख्वाहिश छोड़ दो, उसकी तवक्को छोड़ दो, अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दो दूसरों से, जो करना है खुद ही अंजाम दो दूसरों के लिए। व अहसिन इलैहिम, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। इस ये पुराना दस्तूर है। इंसानी मुआशरे किस जलालत, किस गुमराही और किस तबाही का शिकार थे जब पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खालिक कायनात ने मबऊस फरमाया, तो क्या हालात थे उस वक्त अरब की दुनिया के, किन हालात से गुजर रहा था मुआशरा, किस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन आका तशरीफ लाए, जमाल हम नशीन की तासीर से जहन बदला, दिमाग बदले, फितरत सलीम से आलूदियाँ जुदा होने लगी, आईना फितरत मंजरी होने लगा। वो अनासिर, वो मूजबात, वो असबाब, वो अवामिल इलल जो फितरत की आलूदगी का बाइस बन रहे थे, जिनके सबब जिंदगी न सर उठाने के काबिल थी और न ही शरफ इंसानी के पनपने की कोई सूरत बाकी रह गई थी। कुरान ने इसकी नक्शाकशी कलाम इलाही ने यूँ की है, वकुंतुम आला शफा हुफ्रतिम मिनन्नार, नफ़रतों और आतशे इंतकाम के दहकते और भड़कते आलाव इंसानियत को अपनी जद में लिए हुए थे। हर तरफ बुग्ज़ो कीनाओं इनाद से के जहर से भरे हुए सीने और ऐसी नफ़रत आमेज सूरत हाल थी। लेकिन फिर मुरसल हक नबी रहमत की बेइज्जत से तुम नेमत इख़वान, तुम एक दूसरे के भाई बन गए, तुम एक दूसरे के भाई बने। और फिर नतीजा ये निकला कि वो मुआशरा जिसको उस तबाही और बर्बादी से निकलने की कोई कारगर तदबीर दिखाई ना देती थी इस सूरत हाल से, लेकिन जब एक दूसरे के भाई बन गए तो वो नफ़रतों और आतश इंतकाम से दहकते और भड़कते आलाव मोहब्बत के जमजम में तब्दील होने लगे, वहाँ मोहब्बत के शीरी जमजम बहने लगे। और आतश इंतकाम की बजाय मोहब्बत व उल्फत, ईसार व क़ुरबानी व इखलास व फिदाकारी व वफा के पाकीज़ा जज्बे मौजूद होने लगे। और आका नामदार सरकार रसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक करीमाना ने ऐसा मुजज़ा दिखाया, आपके अखलाक करीमाना का ऐसा एजाज ज़ाहिर हुआ कि जान के दुश्मनों और खून के प्यासों को बेगानों से निकाल कर यगानों की सब में ला कर खड़ा कर दिया। और इस तरह नेमत इस्लाम से तुम एक दूसरे के भाई बन गए। अब ये नेमत इस्लाम से जो भाईचारे और अख़ुवत का रिश्ता हमारे से वजूद में आया, इससे पहले भी एक रिश्ता मौजूद है। ये अख़ुवत और भाईचारे का बालतर मरहला है। इससे पहले जो मरहला है वो भी याद रखे जाने के काबिल है और वो इंसानियत के रिश्ते के हवाले से है। और फरमा आपने वो भाईचारे का मरहला इंसानियत के रिश्ते के एतबार से है, जिसको साहिब ने जो बरागा ने बयान किया है मालिक अश्तर नखी के नाम, जो आपका अहदनामा है जिसको अक़वामे मुत्तहिदा की पेशानी की जीनत बना के लटका दिया गया और कहा दुनिया इंसानियत का सबसे बेहतरीन दस्तूर पुरनूर है। दुनिया इंसानियत का सबसे बेहतरीन दस्तूर पुरनूर, जिसको मिजाज शना से मिजाज रिसालत और अदब शना से अदाए नबूवत, जो जब मैदान कारजार में उतरे और उसकी तलवार चले तो माँ बहने अर्जो समा सरदार मलाइका का नगमा गूंजने लगे, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और अगर उसका दस्ते पुर बरकत कलम उठा ले तो वो इस्लाम को इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, फतह मुबीना तक करे
वो मिजाज शना से मिजाज रिसालत और अदब शना से अदा नबुव्वत, उसका मकाम ही इतना बुलंद है कि तारीख इब्ने असाकिर में, अब यह अहले सुन्नत की बड़ी किताबें हैं जिनमें मौला कायनात के ऐसे फजाइल बयान किए गए कि कुछ तो ऐसे हैं जो आपकी समातों से गुजरे हैं मगर कुछ ऐसे हैं जो आप तक भी नहीं पहुँचे, मगर अहले सुन्नत अकाबरीन ने उन फजाइल की ऑथेंटिसिटी के साथ उनको पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़बान वही तर्जुमान से बयान किया है। जैसा कि तारीख बगदाद में उसकी जल 13 में मौला कायनात की जो फजीलत बयान की गई है, अक्ल इंसानी विरदा हैरत में, हम तो उनके इन फजाइल को मानते ही हैं लेकिन बरादरान ने जो मौला कायनात के फजाइल पाक पैगंबर की ज़बान से बयान किए और ऐसे फजाइल बयान किए कि फरमाया कि मौला कायनात अली जो तारीख इब्ने असाकिर में मौला कायनात की फजीलत बयान की गई वो तो उन्होंने कहा कि पाक पैगंबर ने फरमाया इम्तहनु औलादकुम हुब्ब अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम फइन अहब्बहु फमन अहब्बहु फहुव मिनकुम वमन अबगज़हु फलैस मिनकुम। हैरत अंगेज़ है। उस ज़माने में, पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि वो ज़माना पुराना था, उस ज़माने में ये सहूलियात नहीं थी जो आज के दौर में हैं और सफ़र लंबे होते थे और किसी ताजिर को, बिजनेसमैन को, किसी भी शख्स को, किसी भी अमर की अंजामदही के लिए जब सफ़र पर जाना पड़ता था तो बहुत सी रास्ते में मंजिलें होती थीं और 6-6 महीने लग जाते थे, अपनी फैमिली से दूर रहते थे, एक दूसरे की ख़बर नहीं होती थी, ख़तो किताबत का कोई सिलसिला नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, बाज़ औक़ात हालत सफ़र में लोग मर भी जाते थे। तो जब वो सफ़र से लौटते थे तो बड़ी नई चीज़ें हो चुकी होती थी, कोई मर चुका है, कोई पैदा हो चुका है, वो आपकी तवज्जो है, तो ऐसे मसाइल होते थे। तो उस ज़माने में कुछ लोग होते थे, अब ज़ाहिर है जो मुसलमान है कलेमंगो है तो वो उसको ज़िम्मेदार होना चाहिए, मुसलमान को आका की उम्मती को इतना ज़िम्मेदार होना चाहिए कि उसको ये मालूम हो कि ये मेरे फ़राइज़ हैं, ये मेरे वाजिबात हैं, उसको अच्छाई बुराई के दरमियान तमीज़ मालूम होनी चाहिए। ये इस्लाम इंसान के एक मजहबी इंसान होने के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि एक कामयाब इंसान होने के उसूल हैं। जैसा कि साहिब नहजुल बलागा ने फरमाया है कि अल मुल्क यबका मअल कुफ्र वला यबका मअज़्ज़ुल्म, मुल्क बादशाहतें सल्तनतें कुफ्र के साथ बच जाती हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं बचती। गौर किया आपने, अल्लाह का इनकार कर दे सल्तनत बच जाती है लेकिन अगर इंसानों पे जुल्म करे तो जुल्म से सल्तनतें नहीं बचती। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। तो ये हकीकत है कि वो तो अलग बात है कि एक मुसलमान होने के नाते से हम अपनी ऑडियंस से ये कहेंगे कि खबरदार तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हारा इसमें दुनिया में कोई फ़ायदा हो या ना हो लेकिन तुम रज़ाए मौला को अपने मंजर निगाह पर रखो, मशीयत इलाही के तकाज़ों को पूरा करो, मनशाए इलाही की तकमील के लिए कमर हिम्मत बांधो, हुसूल रज़ाए रब के लिए अपनी सलाहियतों को सर्फ करो। इंसान मोमिन की यही शान है। लेकिन वैसे ये है कि अगर कोई मोमिन ना हो, मुसलमान ना हो, मुसलमान भी ना हो, ला मज़हब हो, लेकिन अगर वो इन उसूलों को अपना ले तो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। ये जो इस्लाम ने उसूल मुतारिफ़ कराए हैं, सच बोलना, फ्रॉड और हेरा फेरी से ख़ुद को बचाना, जैसा कि मैंने गुजारिश किया था कि अमेरिका में यहूदी लॉयर्स को पसंद किया जाता है क्योंकि वो जेन्युइन है, वो आपका केस लड़ते हैं और सही नतीजा देते हैं, लेकिन मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि मुसलमान खयानत का इर्तिकाब करते हैं। और इसीलिए जॉर्ज जुडैक ने कहा था, मुसलमानों शर्म से मर जाओ, तुम उसके मामूम हो, उसके पैरोकार हो, तुम्हारा वो इमाम था कुतिला फी मेहराब ही लिशिद्दत अदले ही, जिसको उसके मेहराब इबादत में उसकी शिद्दत अदालत की वजह से मारा गया। उसने कहा बादशाह हुक्मरान रूलर्स मारे जाते हैं करप्शन और खयानत की वजह से, लेकिन तुम्हारा तन्हा इमाम और सरदार अली ऐसा है, अल इमामुल अली सौतुल अदालतिल इंसानिया,
क्या खूबसूरत उसने किताब का नाम ही उसने क्या उम्दा ताबीर किया, इनमान किया है, तजवीज़ किया है, अल इमामुल अली सौतुल अदालतिल इंसानिया, वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। मौला कायनात को उसने कहा अदालत इंसानी की आवाज़, और उसी में उसने कहा है कि अली आदिल नहीं थे बल्कि अली ऐन अदालत थे। अली सिर्फ आदिल नहीं थे बल्कि अली उस मंबा व मरकज का नाम है जहाँ से अदालत के चश्मे फूटते हैं। तो कहता है शर्म महसूस करो, तुम्हारा इमाम वो था कुतिला फी मेहराबिही लिशिद्दत अदलिही, जो शिद्दत अदालत की वजह से मेहराब इबादत में मारा गया। लेकिन अफसोस का मकाम है, अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ऐसे करते हैं, खयानत का इर्तिकाब करते। अब अगर कोई नॉन मुस्लिम इंसाफ को, सदाकत को, दयानतदारी को अपना ले तो वो कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा, उसका बिजनेस चमक जाएगा, उसका कारोबार आगे बढ़ेगा, उसको और बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। बेशक उसका रोज़े आखिरत पर किसी का इतिकाद ना हो, लेकिन जब वो इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों को अपनाएगा तो उसको फवायद बिलाशुबा हासिल होंगे, उसको ये सारे फवायद। तो मौला कायनात अली तो उस अर्ज़ कर रही थी कि अगर आपको ये एक उसूल है, ये जो हमारा अहद मुतकाबिल है, समझ लें आप एक दूसरे के साथ ताखुद मुतकाबिल, यानी हमारे जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं तो उनमें हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप और औलाद, और सिबलिंग्स, रिश्तेदार और एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी नेबरहुड, आपके और चाहने वाले शहर के दूसरे लोग, उनके साथ हर एक के साथ एक अलग नौइयत का आपका ताल्लुक है। अगर उस ताल्लुक को फ़रोग देने के लिए आप इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा हो जाएं तो वो ताल्लुक कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, और ये सारे रिश्ते इंसान की स्ट्रेंथ बन जाते हैं। अहसन इलैहिम वरफस मा फी अयदीहिम, जब उनको ज़रूरत पड़े तुम उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ, और उनसे कभी कोई तवक्को ना रखो। और इस्लाम का सुनहरा उसूल ये भी है कि जब आप दूसरे के अपनी फैमिली में, जो आपकी अपनी फैमिली है, जब आप अपनी फैमिली में किसी दूसरे शख्स के, मसलन हस्बैंड वाइफ में, एक दूसरे के एतमाद को हासिल करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, वरना बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और ये सफ़र आगे नहीं बढ़ सकता। जब आपको ये ट्रस्ट, ये एतमाद हासिल करना है तो उसके लिए पहले आपको अपने अंदर ऐसी करतूत पैदा करना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपने फैमिली मेंबर से कहें कि तुम सब मुझ पे एतमाद कर लो। पहले आप अपने आप को ऐसा बनाएं वो आपकी ज़बान से झूठ ना सुनते हो, आप में वो अदल व इंसाफ देखते हो, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाली तबीयत हो आपकी, आपको सच बोलने की आदत हो, आपको हेरा फेरी की आदत ना हो, आपको फ्रॉड की आदत ना हो, आपको गलत बयानी की आदत ना हो, आपको बात बदल देने की आदत ना हो। ये बड़ा बहुत बड़ा नक्स है, लोग बात करते हैं वो करते चले जाते हैं, बदल जाते हैं। कुरान ने कहा कुल्लु कौलन सदीदा, एक गुड कॉन्वर्सेशन के लिए इस्लाम ने 12 उसूल बताए हैं कुरान करीम में, जुमला आपको एक बोलना है और उसूल 12 बता दिए गए। सुनो दो कानों से, देखो दो आंखों से, और बोलने के लिए सिर्फ एक जबान है, और उसको भी एक कैद खाने के अंदर बंद किया हुआ है, इसके बावजूद ये बदबख्त ठहरती ही नहीं। इस जबान के जराइम इतने ज़्यादा बयान किए हैं, मुहासबतुल नफ्स बहुत से उलमा ने किताब लिखी है सेल्फ असेसमेंट के नाम से, मुहासबतुल नफ्स अरबी में, बहुत से मुज्तहिदीन, जिसमें उन्होंने मोर देन 100 सिंस, बड़े गुनाह, मेजर सिंस जो जबान से मरबूत बतलाए हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान की जबान से, कहा अगर आका ने अपना हाथ अपनी ज़बान की जानिब उठा के कहा कि अगर इसको संभाल लो तो तुम्हारी ज़िंदगी संभल जाएगी, तुम्हारी हर चीज़ की हिफाजत है,
अगर सिर्फ इसको संभाल, बवक्त ज़रूरत इसे मुँह से निकालो और उस ज़रूरत का तायुन करना होगा तुम्हें तालीमात अहले बैत की रोशनी में, कहाँ इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। अगर ज़रूरी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करें तो सारा दिन ये ताले ही में रहे। ज़रूरी बातें इतनी कम हैं। अगर आपको टू दी पॉइंट बात करनी हो, अगर आपको सच ही बोलना हो, मैं बहुत साल पहले जब स्टूडेंट थी, 20 साल पहले की बात है, जब मैं ईरान में होती थी, तो मैं स्टूडेंट थी तो मैं दुबई जाती थी तकरीर के लिए, मुहर्रम उस ज़माने में गर्मी में आता था, तो जब मैं वहाँ जाती थी तो दुबई के मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ स्टेट्स में, वो जब मेरा अशरा होता था तो अक्सर लोग अपनी फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए थोड़ी बढ़ा लेते थे कि वो मेरी मजालिस अटेंड करके पाकिस्तान आए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो लोगों को वही टाइम मिलता था अपने मुल्क को विज़िट करने के लिए। तो मैं दुबई गई हुई थी तो मेरा अशरा वहाँ चल रहा था, यही मुहर्रम के बाद के अशरे जो होते हैं, तो उसमें एक खातून मुझे कहने लगी, मुझे आज तक उनकी बात नहीं भूली, कराची की खातून थी, तो कहने लगी कि अक्सर लोगों ने अपनी फ़्लाइट आगे करवाई तो उन्होंने भी थोड़ी सी एक्सटेंड करा ली थी मेरी मजालिस के लिए। कहने लगी कि खानम, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने जो अपनी फ़्लाइट आगे बढ़ाई उस पर मैं रोऊँ या हंसूँ, खुशी करूँ या गम। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी कि असल में बात ये थी कि आपकी मजालिस के शौक में हमने अपना थोड़ा डिले करा दिया अपनी फ़्लाइट, तो अब दो साल के बाद हमें पाकिस्तान जाना होता है, बहन भाइयों से मिलना होता है, तो अब आपकी मजालिस सुनी है तो बात तो कोई करने के लिए रही नहीं, तो अब कैंसिल ही करा देते हैं फ़्लाइट। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात? कहने लगी कि खुदा जानता है, आपने कहा था अपनी असेसमेंट करें, मैंने ख़ुद को असेस किया तो खुदा जानता है, हमारी तो हर बात होती ही गीबत में है, रिश्तेदारों की गीबत की, मिलने वालों की बहन भाइयों को। कहने लगी यही तो एक हमारी एक इन्जॉयमेंट होती है, तो अब वो ख़त्म हो गई तो अब मुझे पाकिस्तान जाने से क्या दिलचस्पी रहेंगे, अब बेहतर है कि मैं यहीं पर रहूँ। तो बात यह है कि अगर टू दी पॉइंट हम बात करें तो बात बहुत कम रह जाती है। अगर आप इतनी एहतियात करें, आज से प्रैक्टिस करके देखें, आप इतनी एहतियात करें कि आपको किसी की जानिब तंजिया इशारा नहीं करना, आँख से भी नहीं करना, हाथ से भी नहीं करना, आपको ज़बान से किसी के बारे में कुछ बुरा कहना नहीं, कोई कह रहा हो तो आपको सुनना नहीं यानी दिलचस्पी नहीं लेनी, तो फिर ज़बान का इस्तेमाल क्या रह गया? फिर तो बहुत कम रहा। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल है ही बहुत ज़्यादा कम। तो जब शख्स ने आके सरकार से कहा था अखबरनी अंजमी अल इस्लाम, जितना इस्लाम है सारे का सारा मुझे एक लफ्ज़ में समझा दीजिए, तो आका ने फरमाया लफ्ज़ की ज़रूरत ही नहीं, फ़ाउमा बियदे शरीफ इला लिसानी, आका ने उंगली से ज़बान की जानिब इशारा किया, कहा अगर इसको संभाल ले तो ये पूरे का पूरा इस्लाम है। तो अगर हम इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों पर अमल करें, महीना दो महीने छः महीने में आपकी फैमिली को भी पता चल जाएगा कि ये शख्स एतमाद के काबिल है, कम्युनिटी को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स काबिल एतमाद है, आपके अहले शहर को भी अंदाज़ा हो जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये शख्स काबिल एतमाद है। तो अपने लाइफ पार्टनर का एतमाद लेने के लिए अपनी फैमिली में अपनी शख्सियत को पहचानवाना ज़रूरी है, अपने मिलने वालों में पहचानवाना ज़रूरी है। आपकी बात ऐसी हो कि आपको बात से बदलना ना पड़े। जुमला एक कहना है, कुरान ने 12 उसूल मुतारिफ कराए, जब ज़बान से जुमला निकालना है तो कौलन करीमा, बुजुर्गवारी को पेश नज़र रखना, अपनी अजमत को पेश नज़र रखना, हुस्ना उमुलिन्नास से हुस्ना, हसीन तरीन ज़ेबा तरीन जमील तरीन बात कहना, बाकीज़ा तरीन बात कहना, कूलू कौलन सदीदा, ऐसी बात कहना कि तुम्हें उससे फिर बदलना ना पड़े, शर्मिंदगी उठाना ना पड़े, उस बात से बदलना ना पड़े। वो मैंने अर्ज़ किया था कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी से किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, उन्होंने कहा 40 साल। 40 साल के बाद फिर पूछा कितनी है, उन्होंने कहा 40 साल। कहा आपने तो 40 साल पहले कहा था 40 साल,
उन्होंने कहा कि मोमिन बात कभी बदलता नहीं, वो बात करता है जिस पे कायम रहे। तो इसलिए मेरी उम्र 40 साल ही है, क्योंकि मैं अपनी बात को तब्दील नहीं करूँगा। ये तो मजाक है, लेकिन बहरहाल मोमिन की बात ऐसी होनी चाहिए कि कभी उसको बात को बदलना ना पड़े। पहले ही सोच के बात करे, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो और फिर मोती रोलो। जो पहले सोचता है फिर तोलता है फिर बोलता है वो मोती रोलता है। अच्छी बात करो जबान से, ऐसी बात करो जिससे तुम्हारी इज्जत हो। तो अपने अफराद खानवादा में अपनी इज्जत को कायम करने के लिए, अपनी शख्सियत का लोहा मनवाने के लिए इंसान को कुछ सुनहरे उसूल अपनाना पड़ते हैं, फिर दूसरे आपकी ज़ात पर एतमाद करते हैं। लेकिन इंसान से जब पे दर पे गलतियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पर ज़बान की गलतियाँ, गलत बयानी, फिर दूसरों का एतमाद नहीं रहता, और बाज़ लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा जाते हैं। तो पुराने ज़माने में सफ़र ऐसे होते थे कि मर्द देर तक घर से बाहर रहते थे, अक्सर जब वो लौटते थे तो बहुत भी हो जाते थे, बच्चा हुआ तो ये बच्चा किसका है। तो उस ज़माने में तो DNA टेस्ट नहीं होता था, तो हुजूर ने एक DNA मुतारिफ करा दिया, और इसको इब्ने असाकिर ने, तारीख इब्ने असाकिर में उसने इसको तहरीर किया है कि जो हुजूर ने DNA मुतारिफ कराया, हुजूर ने फरमाया इन तहनु औलादकुम हुब्बे अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम। और ये ऐसा DNA है, ऐसा टेस्ट है जिसका नतीजा हमेशा 100% एक्यूरेट आता है। आका के अल्फाज हैं, अहले सुन्नत बरादरान ने नकल किया, या फरमा अय्युन्नास इन तहनु औलादकुम बिहुब्बे अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम फमन अहब्बहु फहुव मिन्हू वमन अबगज़हु फलैसा मिन्हू। अपनी औलाद का DNA टेस्ट कराना चाहो तो अली का नाम लो। अगर उसके चेहरे पे शादाबी आ जाए, रौनक आ जाए, फरहत आ जाए, उसकी आंखों में चमक आ जाए, उसके चेहरे पे मोहब्बत के आसार नुमाया हो जाए, तो फहुव मिन्कुम, उसे सीने से लगा लो, वो तुम्हारा ही बच्चा है। मौला कायनात के नाम से ताजगी ना आए तो फिर समझ लो कि उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर तारीख इब्ने असाकिर में अम्मार इब्ने यासिर से इस रिवायत को नकल किया, या अम्मार इब्ने यासिर का मकाम बारगाह नबवी में बहुत ज़्यादा बुलंद है। ये वो कदावर साहबी हैं जो मैदान सिफीन में मौलाए कायनात की हक्कानियत को पहचानने के लिए, बल्कि हक्कानियत को पहचानवाने के लिए, जब अम्मार इब्ने यासिर की शहादत हुई तो अम्मार ने पुकार पुकार के कहा, लोगों देख लो, सादिक मुसद्दक ने फरमाया था, या अम्मार तक्तुलु काफ़िअतुम बागिया, अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और तू शहादत से फौरन पहले दूध की लस्सी पिएगा। तो लोगों आओ देखो, मैं दूध की लस्सी पी रहा हूँ, और मुझे जिस गिरोह ने मारा है वही बागी है। तो समझ जाओ कि अली इमाम बरहक है, यानी अली की हक्कानियत को पहचानवाने के लिए अम्मार इब्ने यासिर की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि जब अम्मार ने कह दिया तो फिर लोग उस बात पे एतमाद करेंगे, इतना अम्मार का मकाम बुलंद है। तो अम्मार ने इस रिवायत को नकल किया, तारीख़ बगदाद में खतीब बगदादी ने इसको नकल किया, जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 187 है, उसमें वो कहता है कि आका ने फरमाया, अम्मार इन रअयता अलियन कद सलक वादियन व सलक अन्नास वादियन गैरा फसलुक मा अली बदअ अन्नास।
अम्मार अगर तू देखे कि सारी दुनिया जमा होके सारी दुनिया एक रास्ते पर चल पड़ी, वक़द सलक अलियन वादियन गैरा, और अली इब्ने अबी तालिब एक अलग डायरेक्शन में तने तनहा चल दिए, हसलुक मा अली, अली का दामन थाम ले। तो अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह, तो वो जो सारी दुनिया है उसका क्या करूँ, अकेले अली का दामन थाम लो तो सारी दुनिया तो उधर चल दी। तो आका ने फरमा दाइन्नास, उनको दफा करो, तो दफा करो, अली का दामन थाम लो, अली के साथ चलो। और फिर आका ने इस हदीस को मजीद तकवीयत देने के लिए दस्ते दुआ बुलंद किए और फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो दारा अली, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए, हक को उधर उधर मोड़ दे जिस जिस जानिब अली मुड़ जाए। और फिर अहले सुन्नत बरादरान ने मौला कायनात के बारे में एक रिवायत नकल की है, एक तो शेख सुलेमान हनफी कुंदूजी यनाबीउल मवद्दा, उनकी शोरा आफाक किताब है जिसमें वो रकम तराज हैं, और किताबुल फिरदौस में भी इस हदीस को नकल किया गया कि पाक पैगंबर ने फरमाया कि इन्ना अला सिरात लअकबा, पुले सिरात के ऊपर एक घाटी है, तो ला यजूज़ अहद इल्ला बिजवाज़ मिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं शेख सुलेमान हनफी कुंदूजी के पाक पैगंबर ने फरमाया उस घाटी के ऊपर से गुजरना मुमकिन नहीं, जो भी गुजरेगा वो गिर जाएगा। फरमाया कि इल्ला बिजवाज़ मिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सिर्फ उस घाटी के ऊपर से वही गुजर सकेगा जिसके सीने में विलाए अली इब्ने अबी तालिब का चराग रोशन होगा। और फरमाया कि अर्रूह वर्राहा वल्फलाह वल्फलाह वल्नजाह वल्बरका वल्अफ्व वल्आफिया वल्मुआफात वल्नुसरत वल्रिजा वल्कुर्बत वल्कराबा वल्नसर वल्ज़फर والتمكين والسرور والعزة من جانب الله عز اسمه لمن أحب علي بن أبي طالب عليه السلام وبالاه وأتم به وأقر بفضله وتبنى الأوصياء من بعده وحق علي أن أدخلهم في شفاعتي وحق على الله عز اسمه أن يستجيب فيهم دعائي وهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني। आखा ने फरमाया कि जिसने अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत की और उनके अबनाए मासूमीन से मोहब्बत की और उसने अपनी इस मोहब्बत का इजहार किया, ये इजहार ही है जैसे हम मजालिस अज़ा बपा करते हैं, महाफिल बपा करते हैं उनकी याद में। तो आखा ने कितनी चीज़ें बताईं, अर्रौह वर्राह वल्फलाह वल्फलाह वस्सआदत वन्नजाह वल्बरकत वल्अफ वलआफिया वलमुआफात वलबुशरा वर्रिजवान वलकुर्ब वलनसर वलकराबा वज़फ़र वस्सुरूर वत्तमकीन वलमहब्बा वलइज़्ज़ा मिनल्लाह अज़्ज़ा वजल। फरमाया राहत उसके लिए है, आसूदगी उसके लिए है, फलाह यानी कामयाबी, नजाह यानी कामरानी, फलाह सलाह सआदत उसके लिए है, और अफ़ो मुआफ़ी आफ़ियत हमजहत उसके लिए है, वलबुशरा अल्लाह की जानिब से खुशखबरी उसके लिए है, वलनुसरा नुसरत इलाही उसके लिए है, इमदाद ग़ैबी इलाही उसके लिए है, वर्रिज़ा अल्लाह की रज़ा उसके लिए है, वलक़ुर्ब वलक़राबा अल्लाह का क़ुर्ब भी है उसकी क़राबत भी है उसके लिए, वस्सुरूर वत्तमकीन वलइज़्ज़ा और उसके लिए हमेशा हमेशा की खुशी है, वत्तम की जन्नत में खुलूद है, यानी जन्नत में जाने वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि अब तुम मकान खाली कर दो, खुलूद है, वत्तमकीन वस्सुरूर सुरूर उसके लिए है, खुलूद उसके लिए है, वल महब्बा अल्लाह की महब्बत उसके लिए है, लिमन अहब्बा अली इब्न अबी तालिब, जो अली इब्न अबी तालिब से महब्बत करे, वअतम्मा बिही उनको अपना इमाम माने, वअकर्रा बिफज़ले ही उनकी फजीलतों का इतराफ़ करे, जो जो फजाइल खालिक कायनात ने उनको अता किए, अलबत्ता ये अलग बात है कि इंसान उनकी फजीलतों का इतराफ़ कर कैसे सकता है।
इसलिए कि लव अनल गियास अक्लाम वल अशजार अक्लाम वल बहर मेदाद वल जिन्न हुसाब वल इंस कुत्ताब लम यबलुगु मिशार मा नतका लम यबलुगु इला मिशार मा नतका बिल रसूल सादिक। उनके फजाइल तो इतने ज्यादा है, उनके फजाइल का इंसान एतराफ तो तभी करेगा जब उसको उनके फजाइल से आगाही हो, और वो तो वो मंबाए फजाइल साथ है कि जब से इंसानियत पैदा हुई तो हुए सुबह कयामत तक अगर सारे के सारे जिन हिसाब करने वाले बन जाएं, वन इंसो कुत्ताब इंसान लिखने वाले बन जाएं, और सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, और सारी दुनिया के दरिया स्याही समंदर स्याही बन जाएं, और सारी दुनिया के सहरा कागज बन जाएं, तो लम यबलुगु इला मिशारे मा नतका बिह रसूल सादिक उसका दसवां हिस्सा भी बयान नहीं कर सकते जो रसूल गिरामी इस्लाम ने मौलाए कायनात के फजाइल बयान किए। और फजाइल भी इस अंदाज के हैं कि खुद मौलाए कायनात ने बास जगहों पे जो बयान किए और मनाकिब आले अथार में इब्ने शाहरा शोक की किताब में मौलाए कायनात के जो फजाइल तहरीर किए गए उनमें से कुछ फजाइल हैं जो मौलाए कायनात की ज़बान से बयान किए गए, उनमें से कुछ खसलतें हैं जो बयान की गई, और एक मौलाए कायनात की फजीलत है जो अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम दीन ने, बहुत से उलमा ने अपनी किताबों में तहरीर की, लेकिन एक आलिम ने नीचे तबसरा भी किया है मौलाए कायनात के उस इल्म लदुनी के बारे में जो फजीलत बयान की मौलाए कायनात की। तो वो जो 10 फजाइल एक मकाम पर यकजा बयान किए गए वो भी अहले सुन्नत बरादरान ही ने बयान किए, मगर उससे पहले कहते हैं कि खलीफा अव्वल ने कहा समय तो सैयदती फातिमा तकूल लैलतन दखल बी अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम समूह समितुल अर्ज तुहद्दिसुहु व युहद्दिसुहा। जब मैं अली इब्न अबी तालिब के घर में गई तो पहली रात अपने वालिद से बयान करती हैं मैंने अजीब मंजर देखा, समितुल अर्ज तुहद्दिसुहु व युहद्दिसुहा, मैंने देखा जमीन बोल रही है। और जब मैंने देखा तो समितुल अर्ज तुहद्दिसुहु व युहद्दिसुहा, जमीन अली से बातें कर रही थी, अली जमीन से बातें कर रहे थे। ये खलीफा अव्वल ने बयान किया, खलीफा अव्वल ने बयान किया, और वो रिवायत शेख सुलेमान हनफी कुंदूजी ने बयान की है मौलाए कायनात के फजाइल के बारे में। और खुद मौलाए कायनात ने जो अपने फजाइल बयान किए नहजुल बलागा में मौजूद हैं, वला वो आका ने फरमाया कि वक़द आलिम तो मौज़ई में रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम बिल क़राबतिल क़रीबा वल मंज़िलतिल ख़सीसा। वो एक तूलानी खुतबा है आपका जो आपने इरशाद फरमाया है कि वज़ा अली फ़ी हिजरिही व अना वलदुन, कि मैं जब छोटा सा शीरखार बच्चा था तो हुज़ूर मुझे किस तरह से रखते थे। मगर यहाँ पर एक हदीस है जिसमें 10 फजीलतें मौलाए कायनात की बयान की गई हैं, और इस हदीस को भी अहले सुन्नत बरादरान ने बयान किया कि उन्होंने कहा कि काना अशरुल अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम युता अहदुन क़ब्लहु व लम ला युता अहदुन क़ब्लहु व लम युता अहदुन बादहु, ना अली से पहले किसी को वो फजीलतें मिली और ना अली के बाद मिली। जो 10 फजीलतें सिर्फ और सिर्फ अली को मिली। अब आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि अली तो मंबाए फजाइल है, अली तो सरचश्मा कमालात है, अली तो मजमाए फजाइल है, अली तो गुलदस्ता कमालात है, तो 10 फजीलतें क्यों बयान की गई? ये क्या बात हुई कि ये 10 फजीलतें कहीं और किसी को नहीं मिली? तो इससे मुराद ये जो हदीस याद रखिएगा, ये जो कहा जाता है कि ये किसी और को नहीं मिली, तो इससे मुराद और से मुराद हम लोग नहीं हैं, और से मुराद पैगंबर के अस्हाब नहीं हैं। जैसा कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब में लिखा है, पहले तो किताब में उन्होंने लिखा मा जा लिअस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम मिन अल-फज़ाइल मा जा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा कि जो जो फजाइल अली इब्न अबी तालिब को मिले अस्हाब रसूल में से किसी को उनमें से किसी फजीलत का कोई हिस्सा नहीं मिला। लेकिन यहाँ मुराद इन 10 फजीलतों से ये नहीं कि अस्हाब को वो 10 फजीलतें नहीं मिली। आपसे अर्ज़ करती हूँ कि मुराद क्या है। ये जो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा था
कि जब लोग वहाँ बैठे थे और डिस्कशन चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी कि खुलफाए राशिदीन की खिलाफतें कैसी थी, उनका तर्ज सियासत कैसा था, वो कितने कामयाब थे, कितने नाकाम थे, अल्लाह को कितने महबूब थे, कितना उनका मकाम बुलंद था तीनों खुलफा का, वो बातें करते रहे करते रहे करते रहे। रात काफ़ी गुजर गई तो उसके बाद उनका बेटा कहता है, इमाम अहमद इब्न हम्बल बेटा कहता है कि एकदम चौथे खलीफा पर बात आई तो ज़कर व अलिया सुम्मा ज़कर व अलिया, उन्होंने अली की बात करना शुरू की। तो मेरा बाप जो पहले बड़ी गर्मजोशी से उनके साथ उस डिस्कशन में हिस्सा ले रहा था, उसने अपना सर झुका लिया और चेहरे पर बेजारी आ गई। तो उन्होंने कहा कि पहले तो खुलफा के फजाइल बयान हो रहे थे, उनका तर्ज सियासत बयान हो रहा था, उनकी कामयाबियां नाकामियां डिस्कस हो रही थी, तो आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अब जब अली इब्ने अबी तालिब का नाम आया खलीफा चहारों का तो आप खामोश हो गए। तो कहता है कि मेरा वालिद जिसने फसकत अभी वलम यकुल शई, जिसने सर झुका लिया था और उससे एक लफ्ज़ नहीं बोला था और चेहरे पर बेजारी थी, फरफा रासा एकदम गुस्से से सर को बुलंद किया और उसने कहा, या हाउलाए ओ बदबख्तो, ज़िक्र तुम अलिया वल खिलाफा, तुम अली का किसके साथ जिक्र कर रहे हो? तुम कहते हो हमने खुलफा का तज़किरा किया तो अब हम चौथे खली, ज़िक्र तुम अलिया वल खिलाफा, तुम किसका किसके साथ जिक्र कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ला युकासु बिहाउला इन्नहु मिन अहले बैत नबी, तुम अली का किससे? उन्होंने कहा अली भी तो खलीफा थे। उन्होंने कहा अफसोस है तुमको, ज़िक्र तुम अली वल खिलाफा, अली और खिलाफत का तुम जिक्र कर रहे हो? खुदा की कसम ये खिलाफत ने तो अली को कुछ नहीं दिया, अली है जिसने खिलाफत को इज्जत औज और अजमत और शराफत अता की है, और ये उसकी ज़ात गिरामी है जो मक्का मुकर्रमा में जनाब अब्बास ने जब खुतबा दिया था तो कहा था कि अल्लज़ी शर्रफ़ा बिही मक्का था व मिना, और सिर्फ जनाब अब्बास के अल्फाज नहीं हैं, आइम्मा मासूमीन के हैं, अली वो है जिसकी वजह से मक्का व मिना को शराफत मिली, मक्का व मिना को मकाम मिला, अजमत मिली। तो अर्ज कर रही थी कि जब कहा जाए कि ये वो फजीलतें हैं जो किसी और को नहीं मिली, तो इससे मुराद ये नहीं होती कि वो फजीलतें सहाबा में से किसी को, असहाब में से नहीं मिली, खुलफा में से किसी को नहीं मिली, इससे मुराद ये है कि अंबियाए इलाही में से किसी को ये फजीलत नहीं मिली जो अली को मिली। तो वो फजीलतें क्या हैं? मौला ने इरशाद फरमाया कि पैगंबर ने फरमाया, या अली अंता अखीफ़ दुनिया व अंता अखीफ़ आखिरा व अंता अक़रबुन नास मौक़िफ़ मिन्नी यौम अल-क़ियामा व मंज़िली व मंज़िलुका मुतबाजिहान का अखिल का मंज़िलतिल अख़वैन व या अली अंता खलीफ़ती व अंता वज़ीरी व अंता वली अंता अंतल वसी व अंतल वली व अंतल वजीर अदुफ़ का अदुबी व अदुबी अदुबुल्ला व वली का वली व वली वलीबुल्ला। क्या आका ने 10 फजीलतों का एक साथ बयान किया, और ये 10 फजीलतें वो हैं जो अम्बियाए इज़ामे इलाही को भी मुयस्सर ना आ सकी, और वो ये है कि पाक पैगंबर ने फरमा अंतल अखी फिद दुनिया, अंता अखी फिद दुनिया, तू मेरा दुनिया में भाई है, व अंता अखी फिल आखिरा और आखिरत में भी तू मेरा भाई है, व अंता अक़रबुन्ना से मौक़िफ़न यौमल क़ियामा और अली क़यामत में सबसे क्लोजेस्ट पर्सन जो मेरे पहलू से चिपका हुआ होगा, तू अली इब्ने अबी तालिब है, ना किसी नबी मुरसल को और ना किसी मलक मुकर्रब को ये मकाम मौला हासिल नहीं हो सकता कि तू मेरे पहलू में इस तरह होगा, अंता अक़रबुन्ना से मौक़िफ़न यौमल क़ियामा व या अली मंज़िली व मंज़िलुका फिल जन्नत मुतबाजिहान का मंज़िलतिल अख़वैन, और अली जब जन्नत में जाएंगे तो भी मैं और तू एक साथ होंगे, ये फजीलत भी किसी नबी के लिए नहीं। और फिर अंतल वली अंतल वसी अंतल वजीर अदुबो का अदुबी व अदुबी अदुबुल्ला वलीयो का वली व वली वलीबुल्ला, अली अंतल वसी मेरा वसी तू ही है, अंतल वली तुलुए सुबह क़यामत तक वली ये खुदा तू ही रहेगा,
الوزیر, میرا وزیر تو ہی ہے. جیسا کہ شہید استاد سبط جعفر فرما گئے, تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا, تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا, تو علی و ولی و وسیع رہا, تیری منزل تیری منزلت میں کیا کمی آ گئی. تو تو انتل ولی انتل وسیع انتل وزیر, عدوی عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ. علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن عدو اللہ دشمن خدا ہے. ولیوں کا ولی و ولی ولی اللہ, تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے. یہ 10 فضیلتیں ہیں جو خدا نے صرف علی کو عطا کی ہیں رسول کرامی اسلام کی. مگر ایک اور فضیلت بھی ہے جو آقا نے قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ, آقا نے خود ارشاد فرمایا, فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخل لسانہ فی فمی وانفتح فی قلبی الف باب من العلم والحکمہ ومع کل باب الف باب ولذلک لو سنیت لی مسادہ وجلست علیہا لحکمت لأہل التوراۃ بتوراتہم ولأہل الانجیل بانجیلہم ولأہل القرآن بقرآنہم وہذہ المرتبہ لا تنال بمجرد العلم ولکن یتمکن فی ہذہ المرتبہ بالعلم لدنی. مولا کائنات نے فرمایا کہ پاک پیغمبر نے ادخل لسانہ فی فمی, جب مجھے زبان رسالت چسائی, زکانی رسول اللہ زکن زکا, تو ہر مرتبہ لعاب رسالت کے ذریعے سے انفتح فی قلبی الف باب من العلم والحکمہ ومع کل باب الف باب ولذلک لو سنیت لی